हाँ चेतन भाई। हाँ भाई यार, मेरे को एक ग्राफिक्स कार्ड लेना है। वो पास वाला जो सेलर है वो यार मेरे को 25,000 में देने को बोल रहा है 1 महीने बाद। आप बात कर रहे हो 25,000 में ग्राफिक्स कार्ड? मतलब यार क्या है यार 25,000 में ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस क्या चल रहे हैं तुम्हें पता है? अबे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस लो हो गए? क्या बात कर रहे हो, लेट मी सर्च यार। तो गाइस यार, मैं भी ऐसे ही चौंक गया था भाई। मेरे दोस्त ने बताया था कि यार जो है प्राइसेस जो है वो काफी मतलब डाउन आने वाले हैं। यार मैंने ना काफी सारे वेबसाइट्स पर सर्च किया और यार काफी सारे वीडियोस देखे, और यार मैंने आपको जो है टेक न्यूज में बताया कि यार एनवीडिया ने जो है ऑफिशियली जो है उनके कार्ड्स की 20% 30% MSRP जो प्राइस है वो लो कर दी गई है। और गाइस इसके ऊपर कल मैंने एक रिलेटेड शॉर्ट भी डाला था, और भाई बहुत तगड़ी खुशखबरी है कि भाई जो तुम्हारे मार्केट में जो ग्राफिक्स कार्ड्स है ना, वो सारे ग्राफिक्स कार्ड जो है वो आपके MSRP पे जो है वापस आपके रिटर्न आने वाले हैं। तो बेसिकली यार उसका जो हमें असर है जो आपके वापस MSRP पे आने का, वो काफ़ी सारे कार्ड्स में दिख ही रहा है, बट कुछ इंडियन जो स्टोर्स हैं, कुछ आपके जो सेलर्स हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वेल सर गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक नर्ड इन डेवलप चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं PC रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो PC रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। गाइस बेसिकली ना यार, जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे भाई 2 साल से ना, कोविड के बाद से भाई ऐसे की तैसे हो रही कि हम बजट बिल्डना है यार हम बनाना ही भूल गए। और भाई कार्ड के प्राइसेस इतने स्काई रॉकेट हो चुके थे भाई, फ्लड आ रही है, कोविड आ रहा है, वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इन चक्कर में जो है माइनिंग आ रही है, और इन सब चक्कर में जो है आपके कार्ड्स के प्राइसेस इतना ऊपर चढ़ चुके थे। बट यार गाइस फाइनली जो है आपके कार्ड्स के प्राइसेस जो है बहुत सारे डाउन आ चुके हैं। काफ़ी सारी एरियाज यानी कि बाहर जर्मनी वगैरह में जो है आपके कार्ड्स हो गया, फ्रांस हो गया, उनमें जो आपके कार्ड के प्राइसेस अप टू 30% लो आ चुके हैं। और यार इंडिया में भी जो है आपको इनका असर तगड़ा वाला देखने को मिल रहा है। यार अभी मैं आपको स्क्रीन पे वेबसाइट्स बताऊंगा, कुछ देखो यार वेबसाइट्स बताऊंगा ना यार, तुम में से ना कुछ लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम हर कोई से वेबसाइट बता रहे हो। तो देखो यार मैं हर कोई से वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ, मैं वो वेबसाइट से रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि भाई मैं खुद वहाँ से सामान मंगा चुका हूँ, जिनके सेलर्स को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट है, तो भाई मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ठीक है। देखो क्लैरियन कंप्यूटर जो है, मतलब वो भी अच्छा साइट है ठीक है, आपको सही रेट में कार्ड देखने को मिल जाएगा। क्लैरियन और MD कंप्यूटर वाले का जो है ना शॉप दोनों का पास पास में है ठीक है, तो मैं दोनों को मैं जानता हूँ ठीक है बेसिकली। तो यार तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि वेदांत हो गया, प्राइम हो गया, या MD हो गया, या फिर क्लैरियन कंप्यूटर्स हो गया, इन जैसे वेबसाइट्स पे जो है आपकी ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस जो है वो थोड़े थोड़े लो होना स्टार्ट हो चुके हैं। और यार भाई ना अमेजन पे भी जो है आपका जो 6600 है, जो कि आपका एक टाइम पे काइंड ऑफ 60,000 का बिकता था, वो आपका अमेजोन पे 44,000 का आ गया है। तो काइंड ऑफ जो है अभी थोड़ा सा और वो वाला कार्ड जो है नीचे जाएगा। और रही बात RTX 3050 की, तो यार तुम्हारा 3050 भी जो है वो तुम 20 दिन रुक जाओ, 20 दिन रुको, तुम्हारा 20 दिन के अंदर जो है तुम्हारा 3050 तुम्हें 25,000 का देखने को मिलेगा। भाई सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना अच्छा मतलब प्राइस आने वाले हैं। तो यार देखो इसमें क्या है कि अब तुम्हारे सारे जो है सिलिकन की सप्लाई बेटर हो गई है, तुम्हारी यील्ड्स वगैरह सारे जो है सेमीकंडक्टर्स हो गए उनकी जो है सप्लाई बेटर हो चुकी है, तो अब एनवीडिया को जो है अब स्टॉक में दिक्कत नहीं आ रही है, डाइस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इस वजह से जो है आपकी ग्राफिक्स कार्ड जो है वो काफ़ी अच्छे से अब फुल फ्लो के साथ जो है स्टॉक आ रहा है। बट मैं बात करूँ इंडियन सेलर्स की, तो भाई इतने मतलब लसन हो गए ना इंडियन सेलर्स की, भाई मतलब कार्ड प्राइस में आ रहा है फिर भी उनको होल्ड करके रखना है, उनको महंगे प्राइस पे बेचना है ठीक है। तो तुम जाओगे ना नेहरू प्लेस हो गया या फिर कोई भी बड़ी मार्केट होगी, तो वो तुम्हें अभी भी हाई प्राइसेस में दे रहे हैं। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम मोटा मोटी 20-25 दिन रुक जाओ ठीक है, तुम लेना बंद कर दो कार्ड। मतलब ये मत सोचो कि सस्ते हो रहे हैं और मतलब पड़ी गई के ऊपर भाई लेना ये रुक जाओ, मतलब सस्ते ये कर नहीं रहे हैं, आगे से सस्ते हो गए हैं, बट जो है काफ़ी सारे लोग जा के पूछ रहे हैं और शॉपकीपर्स उन्हें बता रहे हैं कि भाई नहीं अभी तक वही प्राइस है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम वाइम कुछ नहीं है, तुम 15-20 दिन रुको, कार्ड मत लो, ऑटोमेटिकली ये लोग जो है ना कार्ड सेल करने के लिए जो है तुम्हें प्राइसेस कम कर देंगे, क्योंकि भाई स्टॉक आता रहेगा, ये लोग स्टॉक लेते रहेंगे, अगर आप लोग कार्ड नहीं लोगे तो इनके पास पड़े पड़े सड़ेंगे, इनका पैसा अटकेगा। तो ऑटोमेटिकली जो है तुम्हें जो कार्ड्स है ना तुम्हारे जितने भी 3050 हो गया, 3060 हो गया, फिर तुम्हारा 1660 भी हो गया, जो कि काइंड ऑफ अब काफ़ी मतलब लिमिटेड स्टॉक में आ रहा है, तो वो वाले कार्ड्स भी जो है तुम्हें काफ़ी कम प्राइस में जो है देखने को मिलेंगे। और मतलब यार मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था, मेरे एक बेसिकली फ्रेंड को भी कार्ड लेना है, तो मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि तो भाई एटलीस्ट 20-25 दिन रुक जा, मतलब काइंड ऑफ तुम देख लो कि 25 अप्रैल के बाद जो तुम है ना तुम्हारे कार्ड्स के प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, मतलब स्टेबल तो अभी से होना स्टार्ट हो गए,
बट 20-25 दिन अभी बोल रहा हूँ वो क्योंकि तुम्हारे इंडियन सेलर्स की वजह से, वो भी मैं 20-25 दिन एक्स्ट्रा इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारे इंडियन सेलर्स जो है ना भाई, वो मतलब इंडियन में क्या बोलूँ भाई, शॉपकीपर्स का इतना मतलब बहुत कांडी लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है तुम्हारा कार्ड अभी ये लोग थोड़ा सा महंगा बेच रहे हैं। बट अगर तुमको जो है अर्जेंटली बिल्ड करना है तो तुम वेदांत हो गया, प्राइम एबीजीपी हो गया, एमडी हो गया, क्लैरियन हो गया, तो इन कुछ 3-4 वेबसाइट्स पे जो है तुम चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी मतलब तुम्हें अच्छे डील मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे डील्स। देखो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, बाकी तो ऑफलाइन मार्केट में एटलीस्ट 20-25 दिन या महीने भर बाद जो है तुम्हारे कार्ड के प्राइसेस एकदम स्टेबल हो जाएंगे और अन स्टेबल प्राइसेस के साथ जो है हम नए नए पीसीज बनाएंगे, नए नए मजे करेंगे। तो भाई यार मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है कि ग्राफिक्स कार्ड का प्राइसेस कम हो रहे हैं, और यार मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि भाई तुम्हारी जगह जो है वो क्या सीन है प्राइसेस का भाई, जैसे कि कोई लखनऊ से है, कोई दिल्ली से है, कोई मतलब जहाँ से भी है, तुम कमेंट करके बताओ भाई अपने अपने सिनेरियो में क्या प्राइसेस चल रहे हैं। बेसिकली मेरे यहाँ बात करूँ जब वो राजस्थान में था तो थम्स डाउन भाई, अभी भी तुम बंदे 10-70-30 हज़ार का बेच रहे, तो भाई यहाँ पे तो भाई कुछ मतलब है नहीं। तुम अपने एरिया का बताओ कि भाई क्या चल रहा है, और यार खुश हो गया नहीं हो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस डाउन होने से, यार वो भी बताना। वेल्सवेयर गाइस, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यार पसंद आया तो लाइक करें, नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।